आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में, अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि गलती हो गया है, आप सुधार करना चाहते हैं तो वो आप कैसे सुधार कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से घर बैठे। तो आज मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप अपने आधार कार्ड में जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ को कैसे करेक्शन कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं। आपको करेक्शन करवाने के लिए, सुधार करवाने के लिए कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है या किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से घर बैठे बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अब कैसे अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ को ठीक करना है, सुधार करना है, ये देखने के लिए भैया ये वीडियो को तो आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से अपने आधार कार्ड में घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से कैसे जन्मतिथि को सुधारा जा सकता है। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड में जन्म तिथि बदलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ जाता है। अपने आधार कार्ड में जन्म तिथि बदलने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता होगा। यहाँ पर देखिए अपडेट डेमोग्राफी डेटा ऑनलाइन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलता हो। यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपना मोबाइल आधार नंबर डालेंगे, जो आपका आधार नंबर है, या कैप्चा डालेंगे, स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में तो है कैपिटल में, तो कैपिटल में। इसके बाद यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर देखिए अपडेट डेमोग्राफी डेटा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ढेर सारा यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ पर सेलेक्ट करके यहाँ प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए आपके सामने में कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि जो आपका नाम है दो बार, डेट ऑफ बर्थ है जो आप लाइफ में एक ही बार यहाँ पे आप जो है करेक्शन करा सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे कंसेंट देंगे, इसके बाद प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आ चुका है। अपना डेट ऑफ बर्थ जो है आप इस कैलेंडर में से चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा डेट ऑफ बर्थ रखना चाहते हैं, तो वो जाके यहाँ से कैलेंडर में से वो डेट ऑफ बर्थ आपको चूज कर लेना। चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए जो मैं डेट ऑफ बर्थ चूज किया हूँ वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेरा आ चुका है और ये जो मेरा आधार कार्ड पहले से है वो है। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट चूज करना पड़ेगा कि आप जो है प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं जो आपका डेट ऑफ बर्थ जो प्रूफ पे सही। तो इसमें से आप कुछ भी चूज कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर पैन कार्ड चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि आपको 2 MB का जो है आपका जो है अपडेट इसमें करना पड़ेगा और वो जो फाइल होना होगा आपको JPEG, PNG और PDF फाइल में आपको होना चाहिए जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट में लगाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने पैन कार्ड यहाँ सेलेक्ट किया हूँ, यहाँ पर अपलोड किया हूँ तो यहाँ पैन कार्ड आ चुका है। आप चाहे तो यहाँ से रिमूव करके दूसरा भी ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ प्रीव्यू वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो अपडेट करना चाहते हैं वो आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ चुका है और यहाँ पे आपका जो नाम आ चुका है, ये आपका जो पैन कार्ड आ चुका है। इसका ये कैप्चा डालेंगे, जैसे स्मॉल में तो स्मॉल में डालेंगे और कैपिटल में है तो कैपिटल में डालेंगे। डालने के बाद सिंपली यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। यहाँ पर देखिए सेंड हो चुका है, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना। जैसे मेरे केस में यहाँ पर OTP आ चुका है, मैं अपना OTP यहाँ पर डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद यहाँ कंसेंट देंगे, यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। बोला जा रहा है कि आपका जो है पहले से एक प्रोग्रेस में है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस पे जो है एक बार पहले अपडेट कर चुका हूँ। तो अगर आपका जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आता है तो समझिए कि आप पहले एक बार अपडेट कर चुके हैं। अगर ये नहीं आता है, मेन पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप जो है पेमेंट गेटवे पे चल जाएगा और वहाँ से आप डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से आप जो है पेमेंट 50 रुपये का करके आप बहुत ही ईजी तरीके से अपने आधार कार्ड में आप जो डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं।
और ये जो चेंज होगा तो आपको जो पैन कार्ड है या जो भी प्रूफ दिए हैं उसी प्रूफ पे आपका जो है नया आधार कार्ड जो करेक्शन होके आपका डेट ऑफ बर्थ उसी एड्रेस पे जाएगा जो आप एड्रेस प्रूफ में दिए हैं। सो गाइस ये कुछ सिंपल प्रोसेस है अपने आधार कार्ड में जन्म तिथि बदलवाने का। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले से कर रखा हूँ तो यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट अपडेट रिक्वेस्ट डेट ऑफ बर्थ अपडेट ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, मैं एक बार पहले कर रखा हूँ चेंज इसमें डेट ऑफ बर्थ, तो इस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है। मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा था तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, नहीं तो मैं पहले से इसमें एक बार जो है डेट ऑफ बर्थ जो है करेक्शन कर रखा हूँ। आप जो है डेट ऑफ बर्थ जो करेक्शन कीजिएगा मैं पेमेंट पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप पेमेंट गेट पे भी जाइएगा, वहाँ से आप नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं 50 रुपये का। ठीक है, तो मैं पहले से कर रखा हूँ तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। सो गाइस ये कुछ सिंपल प्रोसेस है अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाने का, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने का। तो गाइस ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से अपने मोबाइल फोन से लैपटॉप से आप अपने आधार कार्ड में जन्म तिथि को कैसे सुधार कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।